ये आदमी पंजा लड़ाने की ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग करता है कि इसे हराना तो दूर को इसके हाथ को हिला तक नहीं पाता, लेकिन क्या वो दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों का मुकाबला कर पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है मार्क नाम के एक आदमी से जो कोरिया में पंजा लड़ाया करता था, लेकिन आजकल वो अमेरिका के क्लब में गार्ड की नौकरी कर रहा था। एक दिन उसका पुराना दोस्त किम उससे मिलने आया और उसे पंजा लड़ाने के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए मनाने लगा। मार्क को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन किम ने उसे जैसे तैसे मना ही लिया। फिर वो दोनों मुकाबले की जगह गए जहां लोग खिलाड़ियों पर सट्टा लगा रहे थे। जिस खिलाड़ी से मार्क का मुकाबला होना था वो अब तक के सारे मैच जीता था, इसलिए मार्क पर कोई भी सट्टा लगाने को राजी नहीं था। जल्द ही मैच शुरू हुआ और वो खिलाड़ी काफी जद्दोजहद के बाद भी मार्क का हाथ हिला तक नहीं पाया। मार्क ने चुटकियों में मुकाबला जीत लिया और किम ने भी काफी पैसे कमाए, लेकिन अब उस खिलाड़ी ने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। वो किम को मारने लगा जिससे मार्क भी बीच में आ गया और वहाँ हंगामा हो गया। लड़ाई की वजह से उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। फिर एक हफ्ते बाद उसे एक दुकान में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। उसकी आम सी जिंदगी चल रही थी, लेकिन कई बार उसे घर की काफी याद आती थी। फिर एक दिन उसे किम ने फोन करके कोरिया आने को कहा। वहाँ पर एक पंजा लड़ाने का मुकाबला हो रहा था जिसके विजेता को विदेशों में खेलने का मौका मिलेगा। मार्क ने अपने पुराने मेडल्स को देखा और एक बार फिर अपने पुराने सपने को पूरा करने का फैसला किया। जब मार्क कोरिया पहुंचा तो किम उसे लेने आया और दोनों ने खाना खाते हुए काम की बात की। किम उसका एजेंट बनके उसका बिजनेस संभालना चाहता था। उसे मार्क पर पूरा भरोसा था। उसका प्लान था मार्क को खिलाड़ी बनाकर उस पे पैसे लगाकर सट्टे से माला माल हो जाने का। इसके बाद दोनों ने पूरा दिन शहर घूमा। रात को वो एक क्लब में गए, लेकिन मार्क तो वहाँ भी साइड में खड़ा होकर रखवाली करने लगा। फिर होटल लौटते हुए किम ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी अपनी असली माँ को ढूंढने की कोशिश की है। असल में मार्क को बचपन में ही उसकी माँ ने एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। इस पर मार्क ने कहा, देख जो लोग मुझे छोड़ गए मुझे उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद किम ने उसे होटल में छोड़ दिया। वहाँ मार्क ने जिंदगी में पहली बार एक उछलता हुआ बेड देखा। उस कमरे में किम की तरफ से एक तोहफा भी था। डब्बे में एक फोन निकला जिसमें उसकी असली माँ का पता था। उधर किम यो नाम के एक बेहद अमीर गुंडे से मिला और मार्क पर पैसे लगाने को कहा। पहले तो उसे बिना इजाजत के यो से बात करने के लिए उल्टा लटका दिया गया, लेकिन जब यो ने मार्क की वीडियो देखी तो वो उस पर पैसे लगाने को राजी हो गया। हालांकि उसकी एक शर्त थी कि मार्क को उसके ऑर्डर के मुताबिक हारना या जीतना होगा। अगली सुबह मार्क फोन के नक्शे के मुताबिक उस पते पर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाने से पहले उसे दो बच्चे मिले जो उसका भारी भरकम शरीर देखकर उसे राक्षस समझ बैठे। बच्चे उससे डर ना जाएं इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उन बच्चों ने फिर अपनी माँ सुमी को इस अजीब आदमी के बारे में बताया। उन्होंने खिड़की से देखा कि मार्क वापस जा रहा था। सुमी कपड़े की एक दुकान चलाती थी जो काफी घाटे में चल रही थी। उसे गैंगस्टर यो के भी काफी पैसे लौटाने थे जो उसे बार बार परेशान करने पहुंच जाता था। उस दिन सुमी ने मार्क और यो को मॉल के क्लब में साथ जाते देखा। असल में किम मार्क को यो से मिलाने लाया था। वहीं हम अमीर बाप की एक बिगड़ी औलाद चेंग को भी देखते हैं। वो यो का साथी था और सट्टेबाजी में सबसे ज्यादा पैसे लगाता था। फिर मार्क ने एक हट्टे कट्टे आदमी को हरा कर अपना हुनर दिखाया। इसी वजह से मार्क और किम को एक 5-स्टार होटल में आलीशान कमरा मिल गया। तभी किम को यो का मैसेज आया कि मार्क को कल पहले मैच में जीतना होगा लेकिन दूसरे मैच में हारना होगा। अब किम को डर था कि मार्क इसके लिए मानेगा नहीं। वो दोनों खाना खाने गए तो किम ने उसे दूसरे मैच में हारने को कहा। हालांकि मार्क तो बिना किसी दिक्कत के मान गया। अगली सुबह सुमी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उसके बेटे जो को डर था कि राक्षस फिर से आ जाएगा, लेकिन सुमी ने कहा कि शायद वो मार्क को जानती है। जब बच्चे चले गए तो उसने पुरानी तस्वीरें निकाल कर देखा कि मार्क की उसकी माँ के साथ एक तस्वीर थी। वहाँ बच्चों ने मार्क को बाहर देख लिया और जो ने तो उसे पुलिस बुलाने की धमकी भी दे दी। ये मैं पुलिस बुला लूंगा, फिर वो आपकी हड्डी पसली तोड़ेगी, देख लेना आप। फिर हम देखते हैं कि यो ने कोरिया के सबसे तगड़े पंजा खिलाड़ी कॉम्बो को बुलाया था ताकि मार्क की काबिलियत परखी जा सके। लोगों की खचाखच भीड़ थी और मार्क ने आसानी से 7 फुट के हाथी जैसे आदमी को पहले मैच में हरा दिया। इससे कॉम्बो भी काफी प्रभावित हुआ। सुमी भी वहाँ मार्क को देखने आई थी। ब्रेक के वक्त यो उस पर जबरदस्ती करने लगा क्योंकि सुमी ने उसके पैसे नहीं लौटाए थे। मार्क ने भी ये सब देखा और जब दूसरा मैच शुरू हुआ तो वो जानबूझकर जीत गया ताकि यो को नीचा दिखा सके। जब यो अपनी धौंस जमाने लगा तो मार्क ने उसे धक्का दे दिया। किम बेचारा मार्क और यो दोनों को शांत करने में लग गया। उसे पता चला कि ये सब सुमी की वजह से हुआ तो वो अगले दिन सुमी से मिलने गया। तभी यो भी वहाँ आ पहुँचा और किम की धुलाई कर दी। अचानक मार्क बीच में आ गया और यो के मुस्टंडों से अकेला भिड़ गया। कुछ देर बाद पुलिस आई और मार्क और किम को गिरफ्तार करके ले गई। मार्क को छुड़ाने के लिए उसकी आईडी की जरूरत थी, लेकिन उसका बैग और पासपोर्ट तो पिछले मैच में ही खो गया था। इसके बाद उसने पुलिस वालों से
पंजा लड़ाकर साबित किया कि वो सच में एक खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे जाने नहीं दिया। तभी सुमी वहां आ पहुंची। न जाने कैसे उसे मार्क का पासपोर्ट मिल गया था। तब पता चला कि सुमी मार्क की सौतेली बहन है और उसकी माँ दरअसल एक साल पहले गुजर गई थी। ये सुनकर मार्क का दिल टूट गया। बच्चों ने भी उसे घर आकर रहने को कहा, मामू मामू हमारे साथ घर चलो ना मामू। सुमी की बेटी जून ही उससे खेलती थी और बेटा जून हुआंग उससे काफी बातें करता। वहीं घर के बाहर कुछ आवारा लड़के सिगरेट पी रहे थे। सुमी के मना करने के बाद भी वो नहीं गए, लेकिन जैसे ही मार्क उनके सामने आया तो सब दुम दबाकर भाग गए। अगले दिन यो के आदमी सुमी से पैसे वसूलने आए। उसी वक्त मार्क घर से जा रहा था ताकि वो सुमी पर बोझ न बने। उसने गुंडों को भी भगा दिया, लेकिन फिर उसने वहीं रुकने का फैसला किया। अगले कुछ दिन तक पूरे परिवार ने मिलकर बढ़िया खाना खाया, घूमे फिरे और मजे किए। सुमी के लिए काम के साथ बच्चे संभालना काफी मुश्किल था। उसका पूरा घर कपड़ों से भरा हुआ था। एक दिन उसने घर आकर देखा कि सब कुछ एकदम साफ हो चुका है। ऊपर से मार्क बच्चों की देखभाल भी बहुत अच्छे से करता था। दूसरी ओर किम गरीबी के दिन काट रहा था। तभी मार्क को बच्चों के साथ देखकर उसे आइडिया आया कि क्यों ना मार्क की दुख भरी कहानी दिखाकर थोड़े पैसे कमा लिए जाएं। मार्क भी इसके लिए मान गया। इसके बाद मार्क अपने परिवार के साथ बाहर जा रहा था। रास्ते में उसने कॉम्बो को खेलते देखा। मार्क ने उसे चुनौती दी और जीत कर सबका चहेता बन गया। कुछ ही हफ्तों बाद उसके दुख भरे बचपन और मुश्किलों की कहानी पूरे देश में फैल गई। यह इतनी मशहूर हुई कि मार्क और किम ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। अब बच्चे मार्क को अपना हीरो समझने लगे। एक दिन स्कूल जाते हुए उन्होंने एक औरत को मार्क की बुराई करते सुना। बदले में जूही ने कह दिया, मेरे मामू ना बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, चुप हो जा बुढ़िया नहीं तो तेरे बाल गंजे कर दूंगी। मार्क ने उसे वादा किया कि वो देश का सबसे बड़ा मुकाबला जीत कर दिखाएगा। फिर हम देखते हैं किम के पिता को, जो बूढ़ा होने के बावजूद काफी मेहनत करता था। किम इतने पैसे इसलिए कमाना चाहता था ताकि वो अपने पिता को एक अच्छी जिंदगी दे सके। एक दिन मार्क को जून हुआंग ने वो ईमेल्स दिखाए जो मार्क की माँ हर रोज लिखा करती थी। दरअसल उसे इस बात का बहुत पछतावा था कि उसने अपने बेटे मार्क को अनाथ आश्रम भेज दिया। पूरी जिंदगी वो बेचारी ईमेल्स लिखती रही, लेकिन वो पता मार्क का था ही नहीं। उसने लिखा था कि जब मार्क उनके साथ था तो जिंदगी बेहद मुश्किल थी। उनके पास मार्क को खिलाने तक के पैसे नहीं थे और वो चाहती थी कि उसका बेटा एक अच्छी जिंदगी जिए, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर उसे अनाथ आश्रम भेज दिया। मरने से पहले भी उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि मार्क से मिलकर उससे माफी मांग सके। मार्क को ये भी पता चला कि सुमी उसकी सौतेली बहन नहीं है। जब सुमी के माँ बाप मर गए तो मार्क की माँ ने उसे संभाला। ये खबर सुनकर मार्क दंग रह गया और उसे सुमी पर गुस्सा भी आया। कुछ दिन बाद वो सब उसकी माँ की कब्र पर जा रहे थे। रास्ते में मार्क ने सुमी को झूठ बोलने के लिए काफी बुरा भला कहा। उसने अब वापस अमेरिका जाने का फैसला कर लिया था। तभी किम ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि मुकाबले एक हफ्ते में शुरू होने वाले थे, लेकिन मार्क ने उसे भी गुस्से में कह दिया, अरे ओ तू तो चुप हो जा, मेरे टैलेंट का इस्तेमाल करके बस पैसे कमाना चाहता है तू। उधर कॉम्बो जोरों शोरों से मुकाबले की तैयारी में लगा था। गैंगस्टर यो ने भी केन नाम के एक मुस्टंडे को तैयार किया था। केन ने आज तक जितने भी लोगों से पंजा लड़ाया सबकी बेरहमी से हड्डियां तोड़ डाली। मार्क भी टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार मुकाबले का दिन आ गया। बच्चे घर पर थे जब उन्होंने देखा कि वो मार्क को उसका मेडल लौटाना भूल गए। वो दोनों तुरंत बस पकड़ के मुकाबले की जगह पहुंच गए। कुछ देर बाद सुमी को ये खबर मिली तो वो भी बच्चों के पास भागी। इसके बाद मुकाबला शुरू हुआ। केन मार्क और कॉम्बो तीनों अलग अलग ग्रुप्स में थे। उन्होंने अपने ग्रुप में हर किसी को हरा दिया और सेमीफाइनल तक पहुंच गए। केन ने तो बेरहमी से कई हाथ तोड़े और फाइनल में पहुंच गया। करोड़पति चेंग और उसके आदमियों ने अपना सारा पैसा केन पर लगा दिया, लेकिन मार्क का हुनर देखकर उन्हें लगा कि कहीं उनके पैसे डूब न जाएं। इसलिए चेंग ने यो को धमकाकर कहा कि किसी भी तरह केन को जिताए। फिर यो ने किम को $2,00,000 देकर कहा कि मार्क को सेमीफाइनल्स में कॉम्बो से हारना होगा। हमेशा की तरह किम की जीभ लपलपाई तो उसने पैसे ले लिए और सीधा मार्क के पास पहुंच गया, लेकिन मार्क ने हारने से साफ इनकार कर दिया। किम ने कहा कि इन पैसों से उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन मार्क के लिए अपनी भांजी से किया हुआ वादा कहीं बढ़कर था। आखिरकार उसने कॉम्बो से टक्कर का मुकाबला किया और जीत गया। वहीं ब्रेक के समय यो ने किम को पकड़कर उसकी हड्डियों को थोड़ा ब्रेक किया, लेकिन उन गुंडों को मार्क ने एक एक करके धूल चटा दी। अब किम ने भी पैसों का लालच छोड़ दिया और उसने मार्क को जी जान लगाकर जीतने का हौसला दिया, ना ना और ले ले पैसे। अब शुरू हुआ आखिरी मुकाबला, जिसे देखने के लिए सबकी सांस अटकी हुई थी। तभी केन ने चीटिंग की जिससे मार्क का हाथ फिसल गया। उसने मार्क का अंगूठा काफी जोर से खींचकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। अब केन किसी भी पल जीतने ही वाला था कि मार्क की नजर अपने भांजे और भांजी पर पड़ी, जो उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। अचानक बच्चों के मामा में नया जोश भर गया और उसने एक ही झटके में केन को हरा दिया। आखिरकार मार्क ने टीवी पर कहा कि वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता है। उसकी जीत से वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू थे।